Hello kids, how are you all? I hope you all are absolutely fine. So today in this video we are going to make this beautiful windmill. So for this beautiful windmill we need craft paper or origami paper, any kind of paper, jo paper aapke paas available hai wo, one pencil, scale और दीज आर स्ट्रॉस जो हम पानी या जूस पीते हैं वो, और पुशपिन, ग्लू और सीज़र. सो फर्स्ट हम एक पेपर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास कोई स्क्वायर पेपर है जिसकी फोर कॉर्नर्स इक्वल है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आप पेपर को इस तरीके से फोल्ड करोगे. ओके, फर्स्ट फोल्ड लाइक दिस. फिर उसके बाद आपके पास फोल्ड करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा पेपर ये बचा है इसको एक बार आप अगेन फोल्ड करोगे लाइक दिस. ऐसे फोल्ड करना है. ये फोल्ड करने के बाद आप इसको एक बार अच्छे से प्रेस करो. ओके, प्रेस करने के बाद हमें सीज़र से कट करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, इस तरीके से प्रेस करके आप एक स्केल लो. स्केल से इस तरीके से आप स्केल को बाहर की तरफ पुश करो. बाहर की तरफ निकालोगे तो ऐटोमेटिकली आपका पेपर फट जाएगा. अब आप देखो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर में पेपर रेडी है. अब आप इस पेपर को इस तरीके से फोल्ड करो. अगेन फोल्ड करके इसे अच्छे से प्रेस करना है. प्रेस करने से यहाँ पे एक मार्क आएगा, निशान आएगा. ओके, तो हमने इसे इस तरीके से फोल्ड किया. अगेन एक बार और फोल्ड करेंगे लाइक दिस. हो गया, अब हमने दोनों साइड फोल्ड किया. अब हमारे पास फोर लाइंस बन के रेडी हैं. अब यहाँ पे हमें यूज़ करना है एक पेंसिल. सेंटर पॉइंट आप बना लेना लाइक दिस. ये है हमारा सेंटर पॉइंट. देन स्केल से 3 सेंटीमीटर. ओके, इस तरीके से. अब जो 3 है वो होगा सेंटर में और यहाँ पे एक और डॉट होगा. तो ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर लाइक दिस. हम चारों साइड करेंगे 3-3 सेंटीमीटर का. चारों साइड करने के बाद फिर हम इसका लाइन बना लेंगे. लाइन बनाने से पेपर कटिंग करते समय चारों साइड इक्वल कट होगा, ना कम ना ज़्यादा. अब हमने लाइन बना लिया है. लाइन बनाने के बाद अब हमें कट करना है, बट यहाँ तक. जहाँ हमने लाइन किया है वहाँ हमें कट नहीं करना है. तो अब सीज़र लेकर सीज़र से पेपर कट करना है. कट करते समय सावधानी से, स्लोली, फिंगर का ध्यान रखते हुए यहाँ तक हम कट करेंगे. जहाँ लाइन है वहाँ हमें कट नहीं करना है. तो अभी चारों साइड हम सेम इसी तरीके से कट करेंगे. ध्यान दें, लाइन के आगे हमें नहीं जाना है. ये पेंसिल से लाइन है इसलिए क्लियरली शायद शो नहीं हो रहा है, बट उतना ही हमें कट करना है जहाँ पे पेंसिल का लाइन नहीं है. ओके, नाउ पेपर कट हो गया. अब हमने चारों साइड कट कर लिया है. अब सेंटर में ग्लू का एक ड्रॉप रखेंगे. बहुत ज़्यादा नहीं रखना है अदरवाइज़ पेपर फट जाएगा. अब एक कॉर्नर उठाकर इस तरीके से सेंटर में स्टिक करना है. ओके, नाउ सेकेंड कॉर्नर, मतलब चारों साइड से जहाँ हमने कट किया है एक एक साइड से आप अपने लेफ्ट साइड से पेपर उठा के बीच में उसे इस तरीके से पेस्ट करोगे. अगेन आप एक कॉर्नर उठाओगे जो आपके लेफ्ट साइड है उसको सेंटर में आप पेस्ट करोगे. ये हो गया. अब हल्का सा इसे प्रेस करना है. अब ये हमारा बनके रेडी है. इसे और ब्यूटीफुल बनाने के लिए एक कलरफुल पेपर लेकर छोटा सा सर्कल बनाएंगे. तो ग्लू का जो कैप है उसी से मैं छोटा सा सर्कल बना रही हूँ. आप पेंसिल जो आपके पास है उससे आप स्मॉल इस तरीके से सर्कल बना सकते हैं. सर्कल बनाने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे. कट करते समय स्लोली, केयरफुली. अब मैंने कट कर लिया है. देन अगेन हल्का सा ग्लू लगाएंगे. ग्लू लगाकर इसे बीच में स्टिक करेंगे. अब ये कॉन्ट्रास्ट कलर होने की वजह से एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है. आप चाहो तो सिंपल ऐसे भी पुशपिन लगा के इसे कंप्लीट कर सकते हैं. अब मैंने लिया एक स्ट्रॉ. ओके, और पुशपिन. इस पिन से हम यहाँ पे होल करेंगे. होल करने से पीछे बैक साइड जब हम लगाएंगे
हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अभी मैंने बैक साइड स्ट्रॉ रखा है यहाँ पे इस तरीके से, एंड ये जो पुश पिन है, थंब पिन, इसको आगे से लगाते हुए प्रेस करना है। प्रेस करते समय स्लोली, आराम से, आप ऐसा भी पिन यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास है, या सिंपल ये वाला पिन भी। अब इस तरीके से इसे प्रेस करते हुए पीछे ले जाना है, और जहाँ पे हमने होल किया है उसमें आराम से इसे डालना है। बस डालने के बाद हमारा विंडमिल बनके रेडी है। अब इसे हल्का ड्राई होने देना, बिकॉज ग्लू की वजह से ये अभी थोड़ा सा गीला है। बस हमारा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल विंडमिल बनके रेडी है। आप इस तरीके से कलरफुल पेपर यूज़ कर सकते हो, वाइट पेपर, न्यूज़पेपर, जो पेपर आपके पास अवेलेबल है वो पेपर यूज़ करके आप विंडमिल बना सकते हैं। अब आप भी इसे ज़रूर बनाइए। टिल देन, बाय।